करनाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप के जाल में लोगों को फांसने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। हैरत की बात ये है कि इस गिरोह में महिला का पति और उसका भाई भी शामिल है। करनाल पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला के साथ दबोचे गए इन लोगों के मुंह भले ही कपड़े के पीछे छिपे हों, लेकिन पुलिस ने इनकी हर करतूत उजागर करते हुए इनके गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल करनाल पुलिस को एक शख्स ने शिकायत दी कि एक महिला ने पहले तो उससे फोन पर बातें करते हुए अपने जाल में उसे फांसा और फिर जब वह उस महिला के बुलाने पर उससे मिलने के लिए घरौंडा पहुंचा तो वहीं जोर जबरदस्ती करते हुए उस शख्स की अश्लील वीडियो इस महिला के पति और उसके भाई ने बनाई और बाद में उसे ब्लैकमेल करते हुए 50,000 की रकम मांगने लगे। डरे सहमे शख्स ने बदनामी के डर से 10,000 तो दे दिए, लेकिन अब ये बाकी की रकम हासिल करने के लिए उस पर दबाव बनाने में जुटे थे, जिसके चलते पीड़ित ने पुलिस थाने का रुख किया और पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपना जाल बिछाया और फिर उसके तहत महिला, उसके पति और भाई को काबू करते हुए इनसे 10,000 रुपए भी बरामद किए। इसकी वीडियो बना ली थी और वीडियो कह रहे थे भी तेरी उसपे वायरल कर देंगे, इसलिए ब्लैकमेल कर रहे थे और रेप का तेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दे। पहले शारीरिक संबंध बनाए फिर उसके बाद वीडियो बनाई? नहीं, शारीरिक संबंध की कोई बात नहीं, सामने आई है जी, वीडियो बनाई है बस। हाँ, तो मतलब बैठे हुए अपने घर बुला के। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब इनसे सख्ती से पूछताछ करेगी और पूछताछ के दौरान हनी ट्रैप के गोरख धंधे के बारे में कई और खुलासे होने की उम्मीद है।